नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिल्पी और मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं होटल स्टाइल उपमा की रेसिपी लेके आई हूं। आप देख सकते हैं इस उपमा का टेक्सचर बहुत ही खिला खिला बना है और बहुत ही टेस्टी है। पूरे टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं इसे आपको बनाना सिखाऊंगी, तो चलिए देर किस बात की, फटाफट इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरे ये चैनल पसंद आता तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आती तो शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। यहाँ हमने एक कप सूजी ले लिया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं एक कप का हमने मेज़रमेंट लिया है एक ही कप से। इसी कप से हम पानी भी ऐड करेंगे, तो हम इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेते हैं। तो इसे हमें ब्राउन कलर नहीं लाना है, बस हल्का सा ये रोस्ट हो जाए एक मिनट के लिए, उतना ही हमें करना है। और एक बात और आपको बता दूँ कि आप इस तरह से सूजी रोस्ट करके पहले से भी बना के रख सकते हैं डब्बे में, तो आपके इस तरह से सूजी में कीड़े नहीं पड़ते हैं और बहुत इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो देखिए कितना अच्छे से हो गए हैं, और होटल वाले इसी तरह से बनाते हैं, बहुत ही खिला खिला बनता है इस तरह से रोस्ट करके बनाएंगे। तो सूजी को हमने बाहर निकाल लिया है, और यहाँ पे दो छोटी चम्मच हम तेल ले लेते हैं, और यहाँ पे हम मूँगफली डाल लेते हैं। तो मूँगफली को भी हम अच्छे से भून लेते हैं। आप चाहे तो काजू भी डाल लें, तो मैं इसमें काजू डालूँगी। तो ये देखिए काजू हमने लिए हुए हैं, तो पहले ये आधे कुक हो जाएं बादाम, क्योंकि काजू बहुत जल्दी ही कुक हो जाते हैं और वो ब्राउन हो जाते हैं। तो पहले हम बादाम को अच्छी तरह से भून लेते हैं, उसके बाद काजू डालते हैं। तो देखिए काजू लगभग मूंगफली अच्छे से भुन गई है, उसके बाद हमने काजू डाला है। तो देखिए दोनों अच्छी तरह से एक साथ हो जाएंगे, और इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से ये हो चुके हैं, अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, तो इस समय ना डालें, जब उपमा बन जाए तो उसके ऊपर से हम डालेंगे। तो देखिए इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। हमने काजू और बादाम को बाहर निकाल लिया है, अब इसी पैन में हमने दो चम्मच और तेल डाल लिया है, और साथ में आधी चम्मच हमने जीरा डाला है, और साथ में आधी चम्मच हमने सरसों डाला है। इसे चटकने देते हैं अच्छी तरह से हम पहले, और सरसों हमारा अच्छी तरह से चटक चुका है। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, तो मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है। तो आप प्याज इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में डालें तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और साथ में हमने बारीक कटा हुआ गाजर लिया है, एक छोटा सा हमने गाजर लिया है, इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब इन दोनों को अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा गैस ऑन है। तो देखिए अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है, तो हमने प्याज और गाजर को ज़्यादा भुनना नहीं है यहाँ पे। तो हमने गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखा है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ पे हम करी पत्ते डाल देते हैं, करी पत्ता मैं शुरू में डालना भूल गई थी। तो यहाँ पे आप जितने करी पत्ता खाना पसंद करते हैं उसे सब डालें, मुझे करी पत्ता का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैंने इसे डाल दिया है। शुरू में करी पत्ता डालते हैं तो चटक के ऊपर आते हैं, तो इसलिए मैं पहले ना डाल के उसे बाद में डालती हूँ। अब ये हमने दो हरी मिर्च ली है, इसे हमने बीच से स्लिट कर लिया यानी काट लिया है, इसे भी डाल देते हैं। अब यहाँ पे हमने नारियल लिया है, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, तो ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो नारियल डाल सकते हैं, फ्रेश नारियल है तो डाल सकते हैं। मैंने इसकी क्वांटिटी एक चम्मच रखी है, उसे ज़्यादा नहीं रखें। अगर पसंद करते हैं तो आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो। तो यहाँ पे आप यहाँ पे हमने मटर लिया है, तो ये फ्रोज़न मटर हमने यहाँ पर लिया है, इसे भी हम डाल देते हैं। अगर अभी मटर का सीज़न है तो आप उसे बॉईल करके ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें हम दो कटोरी पानी ले लेंगे, क्योंकि इसी कटोरी से हमने सूजी लिया था, तो एक कटोरी सूजी के लिए हम दो कटोरी यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। साथ में एक छोटा चम्मच हम नमक डाल देते हैं, और इसे उबलने का इंतज़ार करते हैं। बस पानी उबल जाता है तो इंतज़ार करें। अब आप यहाँ देख सकते हो पानी हमारा अच्छी तरह से उबल गया। अब गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे, और लो फ्लेम पे इस तरह से धीरे धीरे हम सूजी डालते जाएंगे, और एक हाथ से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। बस यही ट्रिक है, लो फ्लेम पे कीजिएगा। अगर आप हाई फ्लेम पे इस तरह से करते हो ना, तो क्या हो जाता है ना कि पानी जल्दी सूख जाता है और सूजी अच्छी तरह से इसमें नहीं घुल पाता है। तो इस तरह से हम लो फ्लेम पे करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। इसमें क्या होता है ना, सूजी भी अच्छी तरह से कुक हो जाती है और बहुत ही खिला खिला बनता है। तो बस इसे हम मिक्स करते रहेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनता है, और जल्दी बनकर भी तैयार हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया सूजी पहले से रोस्ट करके रखे, तो फटाफट ये बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसमें हमने जो काजू और बादाम फ्राई करके रखे थे ना, अब इसमें हम ऐड करते हैं। और इस तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम, गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है, अब इसे हम ढक देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये सूजी अच्छी तरह से इसमें और कुक हो जाए। तो इसे हम ढक देते हैं।
2 मिनट हो चुके हैं, इसे हम देख लेते हैं। ये देखिए कितना खिला खिला बना है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है इसका टेक्सचर। तो इस बात का ध्यान रखें, 1 कप सूजी के लिए 2 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो देखिए आप चाहे तो इसके ऊपर से धनिया की पत्ती भी गार्निश कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो देखिए इस तरह से बनाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि रेस्टोरेंट में इसी तरह से उपमा खिला खिला बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर चाहे तो इसके ऊपर से आप घी भी ऐड कर सकते हो, जब आप खाएं तो उसका स्वाद और दुगना हो जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।